की इस वीडियो में आपको फोन पे एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने का फुल प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोन पे एप्लीकेशन की तरफ से मुझे पूरे 5 लाख रुपए की यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है। इसको मैं 60 दिन के लिए भी 60 महीनों के लिए भी ले सकता हूँ, 48 महीनों के लिए भी ले सकता हूँ और 36 महीनों के लिए भी मैं इसको यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर मैं इसको 60 महीनों के लिए अप्लाई करूँगा 11,885 रुपये, 13,904 रुपये 48 महीने के लिए और 17,320 रुपये। अगर आपको भी फोन पे एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक यहाँ पे देखना है। इस एप्लीकेशन पे कहाँ आपको लोन का ऑफर मिलने वाला है तो सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब मैं चलता हूँ एप्लीकेशन की तरफ। अप्लाई करने का सिंपल तरीका यहाँ पे बताऊंगा, 1 मिनट के अंदर ही आपको फोन पे की तरफ से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब आपको वहाँ पे जो लोन का ऑफर है ना वो यहाँ पे मिलेगा कैसे, आपको करने के आपको सबसे पहले नीचे यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा लोन का, आपको लोन सेक्शन वाले सेक्शन पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना क्या, यहाँ पे देखो आपको 4 से 5 ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे होम लोन मिल रहा है, अब देखो होम लोन तो आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको बाइक लोन मिल रहा है, गोल्ड लोन मिल रहा है, कार लोन मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी पर्सनल लोन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा। अब आपको करना क्या, आपको सिंपल सा करना क्या, आपको सिंपल यहाँ पे जो क्रेडिट स्कोर दिख रहा है ना, आपको क्रेडिट स्कोर वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब जो मेरा सिविल स्कोर था तो 734 मेरा सिविल स्कोर था। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट के अंदर देखो मुझे लोन का ऑफर यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने अपने सिविल स्कोर को चेक किया था उसके बाद यहाँ पे मेरे को अप्रूवल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 10,000 से लेके पूरे 5 लाख रुपए का मैं यहाँ पे लोन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लेके 10,000 और 10,000 से लेके 5 लाख रुपए का मैं इस लोन को कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ। तो अपने हिसाब से मैं यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं 5 लाख रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ 60 महीनों के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लेके अगर मैं 60 महीनों के लिए इसको अप्लाई करता हूँ 11,885 रुपये मेरी EMI यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ पे आपको लोन उतना ही यहाँ पे अप्लाई करना है जितनी आप यहाँ पे रिपेमेंट कर पाए। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 48 महीने, अगर मैं इसको 48 महीनों के लिए अप्लाई करता हूँ ना तो यहाँ पे मेरी EMI बन के आएगी 13,904 रुपये। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे आपको पहले ध्यान से देखना है। नीचे आएंगे 36 महीनों के लिए भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी EMI बन के आएगी 17,320 रुपये। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो अभी मैं आपको पूरे 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे जो लोन है तो लाइव प्रूफ आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले मैं आपको पूरा ध्यान से बता दूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो 100% आप फोन पे एप्लीकेशन पे लोन के लिए एलिजिबल यहाँ पे हो पाओगे। अब जब मेरे 5 लाख रुपए का यहाँ पे लोन मिला था ना तो यहाँ पे पहले भी मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था, पर मेरा लोन था ना जो इंस्टेंट यहाँ पे रिजेक्ट यहाँ पे हो गया था। उसके बाद मैंने दोबारा से लोन को अप्लाई किया। जब मैंने लोन को अप्लाई किया ना, मैंने लोन को एक बार में समझा और मुझे इंस्टेंट यहाँ पे 5 लाख रुपए का अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने हिसाब से 60 मंथ का भी ले सकते हैं, 48 मंथ का भी ले सकते हैं, 36 मंथ का भी ले सकते हैं। आपकी EMI बन गया कि 11,850 रुपये, 13,904 रुपये, 17,320 रुपये। अब आपको जितनी भी EMI आसान लगती है उतना आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ ना, यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं 1.5 लाख रुपए के लोन को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, सिलेक्ट EMI का प्लान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है 30 मंथ, अगर मैं 30 महीनों के लिए इसको लोन को अप्लाई करता हूँ 1.5 लाख रुपए के, तो यहाँ पे लिखा है पर मंथ आपको जो इंटरेस्ट लगेगा 2% पर मंथ आपको इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पर मंथ का EMI का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो 6,698 रुपये आपकी EMI यहाँ पे बन जाएगी। तो ये EMI मेरे लिए यहाँ पे सही है। तो मैंने आपको पहले से क्लियर कर दिया, जितना भी आपको पे EMI चाहिए, जितनी आप यहाँ पे कर सकते हैं उतना आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको 50,000 रुपये का लोन अप्लाई करना तो आप यहाँ पे 50,000 का भी यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपये के लोन को अप्लाई करते हैं, नीचे आएंगे आपको 18 महीनों का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको जो ब्याज लगेगा ना 2% पर मंथ के हिसाब से लगेगा, पर आपकी EMI 3,336 रुपये यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ पे भाई आपको उतना ही यहाँ पे लोन अप्लाई करना है जितने आपको यहाँ पे जुड़ते हैं। अगर आप 12 महीनों के लिए लोन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपकी EMI बन जाएगी 4,728 रुपये। इसको बैंक खाते में आपको लेने के लिए ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस चेक को क्लिक करना है, ये जो आपको चेक दिख रहा है, और जैसे ही कंटिन्यू आप यहाँ पे करेंगे, ये जो 50,000 रुपए का लोन है सीधा मेरे बैंक खाते में मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पे बता दिया कि फोन पे एप्लीकेशन पे आपको लोन कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन पे आपको जाना है, सिबिल स्कोर को चेक करना है, थोड़ा सा वेट करना है, इंस्टेंट आपको अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। और जब आपको अप्रूवल मिलेगा उसके बाद आप इस लोन को सीधा अपने बैंक खाते में यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, लोन आपको उतना ही अप्लाई करना है जितनी आप यहाँ पे रिपेमेंट कर पाए। अगर आप बेवजह लोन के लिए अप्लाई करेंगे, रिपेमेंट टाइम पे नहीं कर पाएंगे, आपका सिबिल भी खराब हो जाएगा और आपको काफी सारी फोन कॉल्स भी यहाँ पे आ सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।